नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। परिवहन, परिसंपत्ति, समझौता, समाधान और सियासत। जी हां, उत्तराखंड प्राइम में बात होगी सबसे पहले इसी मुद्दे की। बुधवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की लखनऊ में मुलाकात हुई। इधर लखनऊ में मुलाकात हो रही थी तो उधर आपको बता दें बेचैनी बढ़ रही थी। ये तो सभी को मालूम था कि इस मुलाकात का मुख्य एजेंडा आखिर है क्या, मगर सवाल ये रहा कि जो भी मुख्य बिंदु रहे क्या उन पर कोई सहमति बन पाई, क्योंकि उत्तराखंड को विरासत में कुछ ऐसी परेशानियां मिली हैं जिनका आज तक समाधान नहीं हो पाया, जिनमें से एक है परिसंपत्ति का पेच। मगर परिसंपत्ति परिवहन मामले में अब सरकार जरूर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है और यूपी भी बड़े भाई की जिम्मेदारी निभाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो अच्छी बात है, मगर अफसोस ये कि अब इस मुलाकात पर भी सियासत होने लगी है। क्या है पूरा मामला, इस पर करेंगे विस्तार से बातचीत। साथ ही आज बात होगी हल्द्वानी नगर निगम के मेयर पर मारामारी को लेकर के। अभी तक जैन टीवी आपको दून नगर निगम के मेयर पोस्ट के लिए कांग्रेस बीजेपी के घर की हालत आपके सामने रख चुका है। आज हम आपको लेकर चलेंगे हल्द्वानी, मगर पहले बात करेंगे आज के पहले मुद्दे की। तो हल्द्वानी नगर निगम में क्या स्थिति है, ये तो आज का दूसरा मुद्दा है, और खासतौर से कांग्रेस के अंदर क्या कुछ हलचल चल रही है, कौन कौन से चेहरे हैं आपके इलाके के जो वाकई में उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से हो सकते हैं, ये पूरा खाका पूरी रिपोर्ट आपको आज के दूसरे मुद्दे में देंगे। लेकिन उससे पहले जरा बात कर लेते हैं आज के पहले मुद्दे की, जिसमें कि आज मुलाकात हुई है दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मिले। किन मुद्दों पर सहमति बन पाई, क्या बातचीत हुई, वाकई में ये पेच आसानी से सुलझ जाएगा क्या, ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब हमारी ये रिपोर्ट तलाश रही है। आप देखिए और उसके बाद फिर सवाल जवाब। उत्तराखंड के सीएम और उत्तर प्रदेश के सीएम यानी दो उत्तराखंडी भाइयों की मुलाकात बुधवार को लखनऊ में हुई तो सभी की नजरें इस मुलाकात पर टिकी हुई थी। हालांकि इससे पहले दोनों मुख्यमंत्रियों की दो बार मुलाकात हो चुकी थी, मगर बुधवार की मुलाकात कुछ खास रही, जिसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश परिवहन और पर्यटन को ध्यान में रखते हुए कई करार हुए। 17 साल बाद हुए इस करार पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में दोनों प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों के बीच करार हुए। इस अवसर पर त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि 17 साल बीत गए लेकिन करार न होने से सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा था। भाजपा की ही कार्य संस्कृति है जो विवादों को लटकाना नहीं बल्कि खत्म करने की दिशा में काम करते हैं। इस समझौते से अब दोनों राज्यों की परिवहन सेवाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस करार से सभी यात्रियों की सुविधाएं बढ़ेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि परिवहन और पर्यटन भारत की सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ करते हैं, इसलिए पूरे देश में पर्यटन एवं परिवहन सेवाओं और सुविधाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय बस सेवाओं को सुगम और सुदृढ़ बनाने के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के मध्य पारस्परिक परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर कार्यक्रम के अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि ये समझौते केदारनाथ को विश्वनाथ तथा अमरनाथ को विश्वनाथ से जोड़ने का प्रयास है। ये समझौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करने में सहायक होंगे। सीएम योगी ने कहा कि उत्तराखंड के साथ परिवहन समझौता सालों से लंबित था। समझौते के लिए कार्यक्रम में मौजूद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बधाई देते हुए उन्होंने भरोसा जताया कि समझौते से दोनों राज्यों के पर्यटकों को परिवहन की आधिकारिक सुविधाएं सुलभ होंगी। कि समझौते से दोनों राज्यों के पर्यटकों की परिवहन की आधिकारिक सुविधाएं सुलभ होंगी। करार के बाद हर महीने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की ओर से उत्तराखंड में लगभग 1,40,000 किलोमीटर तक बसों का संचालन होगा, जबकि उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें उत्तर प्रदेश में लगभग 2,50,000 किलोमीटर चलेंगी।
बद्रीनाथ अमरनाथ यूपी बस सेवा से बद्रीनाथ को अमरनाथ से जोड़ने का भी करार हुआ। यूपी की बसें राज्य में बद्रीनाथ तक व राज्य के शहरों से अमरनाथ तक की सुविधाएं देंगी। हरिद्वार में पर्यटन भवन परिवहन करार के वक्त दोनों राज्यों के सीएम के बीच हरिद्वार में यूपी के पर्यटन भवन निर्माण पर भी चर्चा हुई। पर्यटन भवन निर्माण को मंजूरी भी दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, उत्तराखंड में ई चालान, स्मार्ट डीएल और स्मार्ट रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी की गई है। 17 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद आज ये समझौता संभव हुआ है। उत्तराखंड डेस्क, जैन टीवी, देहरादून। तो आपको बता दें कि तमाम सारी चीज़ों को लेकर के समझौते हुए हैं, जिसमें आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अंदर उत्तर प्रदेश परिवहन 1,40,000 किलोमीटर की यात्रा करेगा। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड परिवहन जो है वो 2,50,000 की यात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर करेगा। इसके अलावा आमजन को सुविधाएं मिलेंगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है समझौते हुए हैं। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस की नेत्री गरिमा जी जुड़ चुकी हैं। गरिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चलिए गरिमा जी, कई सारे सवाल हैं उस पर बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले जरा जो महत्वपूर्ण सवाल है वो जरा दर्शकों के लिए टीवी स्क्रीन पर ले आते हैं। पहला सवाल यही कि 17 सालों से परिसंपत्ति पर अटका पेंच क्या पूरी तरीके से ढीला हो गया है या अभी इस पर और बातचीत आगे भी होगी। सवाल नंबर दो ये कि परिवहन परिसंपत्ति समझौते से उत्तराखंड को आखिर में कितना फायदा होगा। तीसरा सवाल यह है कि डबल इंजन सरकार अगर इस मसले को हल करने के लिए पहल कर रही है तो इसमें कांग्रेस को आखिर दिक्कत क्या है, क्यों बार बार आशंकाएं और शंकाएं जाहिर की जा रही हैं। और आखिरी सवाल ये कि हरिद्वार में यूपी के पर्यटन भवन निर्माण पर क्यों नहीं बात बन पाई है अभी तक, कहाँ पेंच फंसा हुआ है। इन तमाम चीज़ों पर लेकर बातचीत करते हैं। गरिमा जी, पहला सवाल तो यही कि एक पहल है 17 सालों से जो लगातार कोशिश हो रही थी, अब तक उसका हल नहीं निकला। सरकार कोशिश कर रही है, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोगों को तो सराहना करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के लोग इस पर आशंकाएं क्यों जता रहे हैं, क्यों नहीं इसकी सराहना कर रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए हम तो स्वागत कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इसकी तपाने वाला जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि दो राज्यों के बीच में व्यापारिक समझौते होते आए हैं पहले भी, और ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और चाहे मध्य प्रदेश की संग करार हो, चाहे जम्मू कश्मीर की संग करार हो, इन सरकारों के बीच में करार आम होते हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे हाथ लगी हो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हमको राजस्व के उसमें लाभ होगा, उसके लिए बिल्कुल भी इस कदम का स्वागत है, लेकिन जो हमारे लंबित है कई और मामले हैं परिसंपत्ति लंबित है, हम आशान्वित है कि ट्रिपल इंजन की सरकार होते हुए जो बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो सिंचाई विभाग को लेकर हो, चाहे वो हमारे रिजॉर्ट को लेकर हो, हमारी 1,68,000 हेक्टेयर जमीन अभी यूपी के पास है, उत्तर प्रदेश के पास है, निश्चित तौर पर जो हमको मिला है वो अंश मात्र भर है, तो इसमें अभी भी इतना बड़ा उपलब्धि के रूप में इसको ना गिनाया जाए। हम ये कहना चाहते हैं कि अभी करने के लिए रास्ता बहुत लंबा है। लेकिन अब आप लोग अभी बहुत सारी चीजें जब सवाल उठाते हैं तो फिर अब बीजेपी वाले ये कहेंगे ही और पूछेंगे ही सवाल कि भाई हम तो तब भी कुछ कर रहे हैं, आप क्यों नहीं सुलझा पाए इन तमाम मसलों को। नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चाहे वो हमारी सरकार भी हो, तो बहुत उच्च स्तरीय बैठक हमारी सरकारों के समय पर भी आई, लेकिन अब आप खुद देख लीजिए कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 30 बैठकों के बाद ये निष्कर्ष निकला है, तो निश्चित तौर पर इसका मतलब पहले की 2 बैठकों में कहीं कुछ गड़बड़ हुई। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि हमारी सरकारों के समय पर भी उच्च स्तरीय बैठकें होती थी, तो वहां कहीं ना कहीं पेच फंसता था, और ये सबसे ज्यादा अगर पेच फंसाया है परिसंपत्तियों के बंटवारे का, तो वो फंसा है जिसमें राज्य का गठन हुआ, और राज्य का गठन हुआ तो अंतिम सरकार भाजपा की थी। तो हम तो सीधे सीधे ये अगर कहने वाली बात है, अगर भाजपा की बात कह रही है, तो कहने को हम भी कह सकते हैं कि आपने सन 2000 से इसको अटकाया है मामले को, चाहे वो राजधानी का मुद्दा हो, चाहे वो परिसंपत्तियों के बंटवारे का मुद्दा हो, अगर ये मामले दोनों अटके हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लिए। चलिए इस पर ज्यादा और ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ नरेश बंसल जी भी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से। बंसल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार बंसल साहब, कांग्रेस पार्टी का कहना यह है कि आप ही लोगों ने उलझाया मसला, आप और मतलब अगर आप लोग नहीं सुलझाएंगे तो कौन सुलझाएगा, आप ही लोगों ने राज्य बनाया था और
ये तमाम जो पेच फंसे हुए हैं परिसंपत्तियों को लेकर के, वो आपकी ही देन है। जी जी, ये सवाल मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि आपने उलझाया है, आप ही आपको ही सुलझाना होगा। ये एक साल में मिले हमारे कोई घरे हमने सुलझाना है, तो हमें जो पता है हम सुलझाने में लगे हैं। 17 साल में पहली बार हरिवन के ऊपर करार हुआ है, तो आज तक कभी हुआ ही नहीं था, और राज्य को कम से कम 10 से 15 करोड़ रुपए वार्षिक का लाभ हुआ इससे। 335 स्थानों पर यहाँ की बसें जाएंगी जी। और नए स्थानों पर, डेस्टिनेशन पर, राज्य के हित में है। पूछ रहे गरिमा जी, बंसल साहब पूछ रहे हैं, ये 10 से 15 करोड़ साल की आमदनी राज्य की बढ़ेगी जो परिवहन करार हुआ है, 17 साल में आप लोगों का 10 साल शासन रहा, आप लोग क्यों नहीं कर पाए, वो क्या कह रहे हैं? मैंने जैसा कि विपुल जी आपको बताया कि राजस्व बढ़े रहे, तो मैं स्वीकार कर ही रही हूँ कि जो राजस्व की हानि हो रही थी, और सबसे बड़ी बात जो उत्तराखंड के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही थी, तो वो कहीं से कहीं कम होती है। हमने फैसले का स्वागत किया, हमने कहीं से कहीं का कुछ नहीं किया, लेकिन हमने ये बताने की कोशिश करी है कि रोड अभी बहुत लंबी है, अभी आपने मात्र उसका मान लीजिए 10 किलोमीटर घर तय किया है, और इसमें इन्होंने इतना हमला काट दिया है कि जैसे बहुत बड़ा इन्होंने बहुत उपलब्धि कोई कर ली हो। मैंने आपको दिक्कत बताया कि हमारे कई ऐसे हमारी टेहरी को आप लीजिए, हमारी टेहरी के बिजली का 25% उत्तर प्रदेश को जाता है, जबकि ये साफ करार हुआ था जिस समय परिसंपत्तियों का बंटवारा हुआ था या जिस समय राज्य हमारे गठन हुए थे, उस समय साफ साफ ये करार हुआ था। तो निश्चित तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, और ये एक मात्र व्यापारिक समझौते की तरह इसको देखा जाए, व्यापार बढ़ोतरी के लिए आपस में परस्पर राज्य जो है ऐसे समझौते या ऐसे करार किया करते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा कोई इन्होंने तीर मार दिया। देखिए परिसंपत्तियों का मसला, परिसंपत्तियों का मसला गरिमा जी, गरिमा जी परिसंपत्तियों का मसला काफी लंबे समय से लंबित है, उस दिशा की तरफ अगर एक कदम भी बढ़ रहे हैं तो आप लोगों को कहना चाहिए कि नहीं, ये पहला कदम है, सराहनीय है, और आगे जो है तमाम जो मसले हैं वो भी सुलझे तो हम सरकार की सराहना कर रहे हैं आप, लेकिन आप लोग पहले आलोचना करते हैं। पहला कदम नहीं है बिल्कुल भी जी, बिल्कुल जी, प्लीज मैं भी आपसे भी गुजारिश करूंगी कि इसको आप अपना महिमा मंडित मत करिए। हमारी सरकारों के समय पर 36 नहरों पर हमारा वो दिया था, स्वामित्व दिया था उत्तर प्रदेश ने, तो यदा सदा बार बार कई 2-3 सालों के अंदर अंदर ऐसे करार होते रहते हैं। हमको जब हरीश रावत सरकार थी उस समय एक बार भी कई नहरों पर हमको अधिकार दिया उत्तर प्रदेश ने, तो आप इसको पहला कदम मत कहिए। 17 सालों में ऐसा नहीं हुआ है कि सरकारों ने कदम नहीं उठाए हैं, या उच्च स्तरीय बैठकें नहीं हुई, या बिल्कुल नकारा सरकारें थी, आप इस तरह के इल्जाम न लगाइए। हर सरकार ने कोशिश करी, अब क्योंकि प्रदेश में किसी और पार्टी की सरकार होती थी, यहाँ किसी और पार्टी की सरकार होती थी, तो तालमेल शायद नहीं बैठ पाता था, और हम तो कह ही रहे हैं कि ये समय प्राइम पोजीशन है कि आपको ट्रिपल इंजन की सरकार मिली है, और उत्तराखंड का जो भी हितैषी होगा वो कभी भी पार्टी लाइन से ऊपर उठकर उत्तराखंड का हित चाहेगा, और हम भी उसमें से एक हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसे टाइम पर जब ट्रिपल इंजन की सरकार है, आपके केंद्र में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, और यहाँ जो सरकार है, आपस में समन्वय बैठाकर, तो नुकसान इतने सालों से उत्तराखंड को होता आया है, कृपया करके उसको और ना होने दीजिए। अब ये इसी बैठक के बाद आपको ये मुकाम हासिल हुआ है, तो अब अलकनंदा के लिए बैठकें करिए, 1,38,000 हेक्टेयर भूमि के लिए करिए। हमारा हरिद्वार के सारे घाट हमारे अपने नहीं है, चाहे वो VIC घाट हो, चाहे त्रिवेणी घाट हो, सारे घाट जो है उत्तर प्रदेश के कब्जे में है। तो ठीक ठीक, हमारा निवेदन केवल इतना है कि आपसे जन आकांक्षाएं और अपेक्षाएं बहुत बड़ी बड़ी है, ठीक है। बंसल साहब से पूछ लेते हैं, बंसल साहब वो कह रहे हैं कि पहला कदम नहीं, ये पहला कदम नहीं है, इससे पहले भी कई सरकारों की तरफ से तमाम चीजों को सुलझाने की कोशिश की गई, पिछली सरकार के दौरान भी जो है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 36 नहरों पर अधिकार दिया गया। आप लोग जो है तारीफ बटोरने में और इसको बहुत ज्यादा प्रचारित करने में लगने के बजाय अलकनंदा
जो हरिद्वार के घाट हैं, इन तमाम विषयों को सुलझाने पर फोकस आपको करना चाहिए क्योंकि आपको इतना बड़ा मैंडेट मिला है। आपकी टिप्पणी। देखिए, अगर 40 लहरों को या 36 लहरों को पहले मिला तो आज तक उसका अधिकार क्यों नहीं मिला? इसका मतलब भारतपुर में प्रचार केवल इन्होंने बटोरा, आज हम उसके अधिकार लेने की स्थिति में है। अलकनंदा हमको मिलने की स्थिति हो गई पूरी की पूरी। परिवहन में कभी कोई करार ही नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कह रहा किसी ने प्रयास नहीं किया, लेकिन कांग्रेस तो कम से कम उस तरह की आलोचना बंद करे। कांग्रेस जो गलत आरोप लगाती है जी, उसको बंद करना चाहिए। जो कुछ हो रहा है उसमें और अच्छा कैसे हो, अपना सहयोग और सुझाव देना चाहिए, बजाय इसके कि जो हो रहा है उसको भी ये कहना कि कुछ नहीं हो रहा है। कांग्रेस की नकारात्मक जी शैली को कांग्रेस को बंद करना चाहिए, नहीं तो उसको जो जनता का विश्वास मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। अब साहब, सवाल यहाँ पर यह है कि अब दोनों जगहों पर उत्तर प्रदेश की सरकारें हैं, क्या हम ये मान के चलें कि ये जो तमाम मसले हैं वो धीरे धीरे करके सुलझने की ओर बढ़ेंगे, या इतनी बैठकों के बाद भी अगर जितनी धीमी गति से काम चल रहा है जी? मेरा सवाल ये है कि अब तक की मुलाकातों में निश्चित रूप से सारे मसले जी हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर ध्यान दिया है, ध्यान दे रहे हैं, कहा है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय योगी जी ने भी कहा है कि उत्तर प्रदेश को उसका हक जरूर मिलेगा। नहीं, मेरा सवाल यह है कि अब तक जो मुलाकातें हुई हैं और जिस तरीके से कामकाज हुआ है वो बड़ा धीमी गति से लग रहा है, चीजें आगे बढ़ रही हैं, जबकि पहली जो मुलाकात हुई थी उसके बाद ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे मामले तो सचिव स्तर पर ही निपट जाएंगे, पर वो तेजी नहीं देखने को मिली। तो कहीं पर समस्याएं हैं क्या कुछ जो लग रहा है कि उनको सुलझना मुश्किल होगा? फाइलों में किस प्रकार की समस्याएं होती है, जो फाइलें आगे बढ़ती है तब पता लगता है, कुछ ना कुछ पीछे बैठे हैं उनमें, सॉल्व करने में थोड़ा समय लगता ही है, बातचीत करने में, अपनी बात के बारे में कन्विंस करने में, उनकी भी तर्क सुनने होते हैं जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई 8-9 महीने में हमने अलकनंदा का जो पहले भी एक बार हुआ, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए, उससे हमने उसको रिजॉल्व किया है, सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई मतलब नहीं रहा है, नहरें भी देने की पूरी बात हो गई है और परिवहन का भी करार हुआ है, अन्य मसलों पर भी जल्दी जल्दी चर्चा होगी, जैसे जैसे बैठकें हुई, अब मध्य क्षेत्र की क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी, उसमें फिर से मुख्यमंत्री 4 राज्यों को मिलेंगे, उसमें भी अपने अपने इश्यू आएंगे। गरिमा जी, हर मौके पर जो मौका मिलेगा इश्यू सॉल्व करने का, उस पर पूरी तैयारी के साथ एक चीज मुख्यमंत्री को रख करके गरिमा जी आपसे एक चीज जानना चाहेंगे। अब देखिए, ये पेंच अगर इतने आसान होते तो शायद आपके कार्यकाल में ही तमाम चीजें सॉर्ट आउट हो जाती। आपको ही पता है कि बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये तमाम चीजें अटक रही हैं, तो फिर लगातार ये क्रिटिसिज्म करने के बजाय आपको लगता नहीं है कि इस पे एक सार्थक बहस जो है आपको करनी चाहिए, सरकार को अच्छी सलाह देनी चाहिए? इतनी आलोचना, इतना क्रिटिसिज्म किस लिए जो बंसल साहब कह रहे हैं? देखिए रिपुल जी, सलाह उसको दी जाती है जो सलाह का महत्व जाने और जो सलाह इनवाइट करता हो। ये सर्वदलीय बैठक बुलाते किस मुद्दे पे है, हम बताइए। हमने पहले भी इस बात को रखा कि जो तमाम किसान यहाँ आत्महत्या कर रहे हैं, एक सर्वदलीय बैठक बैठाकर कम से कम दूसरे नेताओं की एक्सपीरियंस है, चाहे पलायन का ही आपने आरोप बना दिया, पलायन के ऊपर भी हमने कहा कि एक सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए और तमाम मुख्यमंत्रियों को, जो पहले के मुख्यमंत्री हैं, उनको क्या दिक्कतें आई, पलायन जो दूर नहीं हो पाया, तो क्या रूट कॉज रहा, इसके ऊपर एक व्यापक बहस होनी चाहिए, जल्दी बहस होनी चाहिए। लेकिन पता नहीं इतना घमंड, इतना अहंकार इनको है कि हम हर चीज अपने लेवल पे सॉर्ट आउट कर लेंगे। सलाह की बात तो ना ही करें, नरेंद्र ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सलाह इनवाइटेड नहीं है इनके, वहाँ ये किसी की सलाह नहीं लेते, ये अपने आप को ही सर्वोपरि मानते हैं। इसका भी कहना चाहती हूँ, हमेशा उत्तर प्रदेश के प्रति एक बड़े भाई का रहा, हम हमेशा अपने को छोटा भाई मानते आए हैं, लेकिन प्रथम उत्तर प्रदेश हमारी एक ज्यादातर प्रॉब्लम हमारी जो है हमारे घाटों को लेकर है, हमारे
बिल्कुल अब ये अलकनंदा में और सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने छोटे मैटर लेके मत आइए मेरे पास, आप तो कोर्ट सेटलमेंट करिए। तो सेटलमेंट आज तक नहीं हो पाया। मेरा निवेदन बस इतना है, मैंने बार बार आपके चैनल के माध्यम से मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ कि हम उत्तराखंड के हितैषी हैं जैसे कि बाकी उत्तराखंड के लोग हैं, और जन आकांक्षाएं और अपेक्षाएं इतना बहुमत आपको मिला है दोनों प्रदेशों में, तो हम जो निवेदन बीजेपी हितैषी नहीं है क्या गरिमा जी, कहीं तक इसका विरोध नहीं करते हैं जो खराब हुआ है उससे फायदा पहुंचेगा, निश्चित पहुंचेगा। लेकिन जो आपने मामला लगाया 2000 में जब राज्य गठन हुआ, तो उन मामलों को सुलझाना भी आपका कर्तव्य है। हमने ऐसा नहीं है कि हमने कोशिशें नहीं करी, मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में दूसरी सरकारें थी, यहाँ दूसरी पार्टी की सरकार थी, आपस में तालमेल नहीं बैठ पाया, और जैसा कि आपने कहा कि टेक्निकल दिक्कत आ जाती है, उस तरह की फाइलें अटक कर रहे थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकारों ने हाथ पैर नहीं मारे। तो ये कह रही है गरिमा जी आप कांग्रेस को हितैषी बता रही हैं, बीजेपी हितैषी नहीं है क्या? नहीं, हितैषी है, मैंने यही तो कहा आपसे कि इसका क्या जवाब है नरेश बंसल जी के पास कि जब राज्य गठन हुआ तो जो अंतरिम सरकार बनी भाजपा की, बाकी तीन राज्य एक साथ बने थे नवंबर के महीने में, बाकी राज्यों को उनकी राजधानी मिल गई, हमको क्यों नहीं मिली? बाकी राज्यों का आपस में निपटारा हो गया, हमारा क्यों नहीं हुआ? तो ये परिसंपत्तियों का जो निपटारा है, बंटवारा है, इसको अंतिम सरकार ने लटकाया और इसके इसकी हम आज तक हानि झेल रहे हैं। चले आखिरी सवाल बंसल साहब आपसे मेरा होगा कि अब इन तमाम आरोप प्रत्यारोप राजनीति में चलते रहेंगे, तमाम चीजें चलती रहेंगी, लेकिन अभी अभी तक जो मुलाकातें हुई हैं एक राजनेता के नाते, एक सत्ताधारी दल के होने के नाते, आपको क्या लगता है कि अभी इन तमाम चीजों को सुलझने में कितना वक्त लगेगा? क्या जो टेक्निकल इश्यूज हैं वो भी क्या आसानी से सुलझ पाएंगे या नहीं सुलझ पाएंगे, और कहां कहां पे आपको लगता है कि थोड़ी मुश्किलें होंगी? निश्चित रूप से नियत सुलझाने की है जी, तो सुलझाने की नियत है तो सब प्रकार के पेन सुलझेंगे, टेक्निकल होंगे, गांव के होंगे, जो भी होंगे प्रकार के पेन सुलझेंगे, और मैं कह सकता हूँ कि हमारी सरकार के समय में अधिकांश मसले सुलझ जाएंगे। कब तक उम्मीद करें हम, 5 साल? अब इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं कहा जा सकता, बैठकें होती है, मीटिंग में कुछ चीज रह जाती है, दोहरी मीटिंग में होती है, धीरे धीरे गरिमा जी कह रही हैं कि आप लोगों को कम से कम जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं उनके साथ बैठकें करके जानना चाहिए था कहां पर क्या कुछ मुश्किलात उन लोगों को आई हैं, तो आपको चीजों को सॉल्व करने में आसानी होती है। इनको केवल आलोचना कर रही है, इनको कोई सहयोग कर रहा नहीं है, कोई सुझाव देना नहीं है, खराब कर रहा है इनके साथ। वो कह रहे हैं कि वो सुझाव लेते ही नहीं है, सुझाव कोई देगा कैसे? सुझाव कई बार सुझाव देने के लिए कोई कहना पड़ता है ना, अपने आप से जब मेमोरेंडम ज्ञापन लेकर के जाते हैं तो सुझाव लेके जा सकते हैं। तो ये गरिमा जी, ज्ञापन तो आप लोग लेकर के जाते हैं, सुझाव क्यों नहीं लेके जा सकते? इसके लिए अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा क्या कांग्रेस पार्टी को? नहीं, देखिए विपुल जी, बिना मांगे तो कोई सलाह नहीं देता, इतना कोई फ्री नहीं बैठा हुआ है। अगर इन्हें गरिमाहीन बात ना करें, हर व्यक्ति का अपना आत्मसम्मान है, हर पार्टी की अपनी अलग गरिमा है। जब तक ये प्रॉपर इन्विटेशन देकर, आप मुझे बताइए अभी हाल ही में इन्होंने पलायन की पुष्टि करी, उसमें इन्होंने तमाम उत्तराखंड के जो ऑफिसर बड़े बड़ी पोस्ट पर हैं, जो यहाँ उत्तराखंड में रहते ही नहीं है, उनको सब बुलाया, चाहे वो आप अजीत डोभाल जी हो, चाहे हो, इन्होंने तमाम उन लोग के जनरल साहब चीफ है जो आर्मी के, उनको बुलाया, जो उत्तराखंड के सरोकार रखते थे उनको बुलाया, जबकि उत्तराखंड में उन्होंने कोई जीवन अपना नहीं बिताया। लेकिन इन्होंने ये गवारा नहीं समझा कि ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को बुला रहे हैं, इन्होंने ये गवारा नहीं समझा। चलिए चलिए गरिमा जी, समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया बंसल साहब आपका भी अपना समय देने के लिए, इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए, नमस्कार। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात को लेकर के, वो सुनते हैं। कुछ चीज़ों पर माननीय मुख्यमंत्री जी की, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से चर्चाएं हुई है, बहुत सारे समझौते साइन हुए हैं, जैसे बहुत सारे रूट्स पर उत्तराखंड की बसें जो उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, रेवेन्यू का भी लाभ होगा, उसी प्रकार से कुछ रूट्स पर उत्तर प्रदेश की बसें चल रही हैं, उसी प्रकार से कुछ और चीज़ें हुई है, भवन बनना है हरिद्वार के अंदर,
उत्तर प्रदेश का भवन बनना है, तमाम सारी और बायलेटरल चीज़ें हैं। जब से मुख्यमंत्री जी और नई सरकार बनी है, वहाँ योगी जी की सरकार और उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री रावत जी की सरकार बनी है, निश्चित रूप से उत्तराखंड को जो बंटवारे में बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, इसमें बहुत विलम्ब हुआ, अब उसमें यथाशीघ्र काम हो रहा है और बहुत जल्दी हमको हमारी सारी परिस्थिति बहुत सुनी। क्या कुछ रहा खास इस बार? नहीं देखिए, हमारा पुराना वो प्रदेश रहा है और हम लोग पहले से मुझे उत्तर प्रदेश में हम लोग उत्तराखंड उसी में था, इसलिए ऐसा लगता नहीं है कि कोई अलग प्रदेश बन गया, लेकिन हाँ जो परिसंपत्तियाँ हमको मिलनी चाहिए उनमें बहुत तेजी आ रही है। चलिए फिलहाल अब जरा सुनते हैं कांग्रेस पार्टी के लोग क्या कुछ कह रहे हैं और उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर जब लौटेंगे उसके बाद बात करेंगे आज के दूसरे मुद्दे की। हल्द्वानी मेयर पर मारामारी, पशुपेश में पंजा, पूरी खबर ब्रेक के बाद, पहले कांग्रेस के बयान। 1,38,000 करोड़ हेक्टेयर जमीन उत्तर प्रदेश के कब्जे में, उसमें इन्होंने कोई बात नहीं की, ये झूठ की वाई लूटने के आते हैं। परिवहन का करार तो एक सामान्य करार है, एक सामान्य समझौता है, आपकी बसें मेरे यहाँ चलेंगी, मेरी बसें आपके यहाँ चलेंगी, और उससे निश्चित रूप से फ़ायदा तो होता ही है। और ठीक है, पहले भी करार हुए होंगे, कोई आज नया करार तो नहीं हुआ। 2003 में निगम का गठन किया, हीरा सिंह बीजी परिवहन मंत्री थी पहली बार निगम, तब भी करार हुए कि इतनी बसें वहाँ चल रही यहाँ चल रही, उसमें कुछ दिक्कतें आ रही, कुछ बसों का रूट बढ़ाना था, उसमें करार हुआ, ठीक है। लेकिन सरकार ने जो असली काम था, चाहे हरिद्वार अटेरी डैम का क्यों कर रहे हैं, 25% का हिस्सा उत्तर प्रदेश खा रहा है, भाई ये कौन सी बात हुई? और पुनर्गठन एक्ट में साफ लिखा हुआ है जो जहां पर अवस्थित है, जो संपत्ति जिस राज्य में अवस्थित है, उस संपत्ति पर उस राज्य का हक होगा। बहुत अच्छी बात है और ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में या बहुत ज़्यादा गुणगान करने की बात नहीं है। दो सरकारों के बीच में करार हुआ करते हैं, हमारी सरकारों के समय पर भी कई जो लंबित मुद्दे थे, कई जो ऐसे बातें थी जो आपस में उलझी हुई थी, उनको सुलझाया गया और अब ये परिवहन का करार हुआ है। इसके अलावा भी हमें हमारी कई परिसंपत्तियाँ अभी उलझी हुई हैं उत्तर प्रदेश के साथ और रास्ता अभी बहुत लंबा है। पहले भी कई बैठके माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं उत्तर प्रदेश में जाके मुख्यमंत्री से कर चुके हैं, लेकिन उसके परिणाम जो है अभी तक तो इस तरह के नहीं आए हैं कि जिससे लगे कि वो बैठकें हुई हैं और उसका परिणाम उत्तराखंड। के बाद स्वागत है आपका, हम बात करेंगे आज के दूसरे मुद्दे की। दूसरा मुद्दा, हल्द्वानी मेयर पर मारामारी, पशुपेश में पंजा। अब बात इसी दिलचस्प विषय की होगी, दून नगर निगम के मेयर पोस्ट के लिए कांग्रेस और भाजपा के अंदर की हलचलें और दावेदारों के नाम आपको बताने के बाद हम बात करेंगे कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम यानी कि हल्द्वानी की। इस सीट पर भी कांग्रेस के लिए किसी एक दावेदार को चुनकर उसे टिकट देना इतना आसान नहीं होने वाला। महज एक सीट पर कई दावेदार खड़े दिखाई दे रहे हैं। जब जैन टीवी ने पड़ताल की तो हम भी सोच में पड़ गए कि एक सीट के लिए इतने दावेदार। आज बात कांग्रेस के घर की करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हल्द्वानी के नगर निगम की सियासत में कौन कौन से मुद्दे प्रमुख हैं और नगर निगम की सियासत का सुल्तान कौन बन सकता है। आज बात करेंगे इसी विषय। तो हमने आपको बताया दून के अंदर कांग्रेस के अंदर क्या स्थिति है,
दून के अंदर, बीजेपी के अंदर क्या स्थिति है, आज जरा कुमाऊं की बात करते हैं और हल्द्वानी के अंदर पहले बात करेंगे कांग्रेस की कि वहां पर भी ऐसा नहीं कि कम मुकाबला है, जबरदस्त मुकाबला है क्योंकि बहुत सारे दिग्गज लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जो उम्मीदवार हो सकते हैं लेकिन टिकट किसी एक को मिलना है, कौन हो सकता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, कौन कौन से चेहरे दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं और कौन आखिरी उम्मीदवार बनेगा, किसके हाथ टिकट लगेगा, इसको तलाशती हमारी ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद फिर सवाल जवाब। उत्तराखंड में निकाय चुनाव में जहां कुछ ही महीनों का समय शेष रह गया हो वहीं कुमाऊं की सबसे हॉट सीट हल्द्वानी नगर निगम में यहां पर भाजपा और कांग्रेस में तमाम दावेदार अपने दावेदारी मेयर पद के लिए यहां पर जताना शुरू कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस की लिस्ट में भी तमाम नाम शामिल हैं और वहीं कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अगर उन सभी दावेदारों में से किसी एक को टिकट मिले तो कहीं ना कहीं हल्द्वानी नगर निगम सीट जो अभी भाजपा के पाले में है उसको वह जीतकर कांग्रेस के पाले में डालेंगे। निकाय चुनाव होने में कुछ ही महीनों का समय बचा हुआ है मगर कुमाऊं में मेयर की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली हल्द्वानी नगर निगम की मेयर सीट पर कांग्रेस से तमाम दावेदार सामने आ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से हल्द्वानी में मेयर सीट की दावेदारी की दौड़ में कई नाम हैं, जिसमें सबसे पहला नाम नेता प्रतिपक्ष के सुपुत्र और हल्द्वानी नवीन मंडी समिति के अध्यक्ष सुमित हृदेश का है। इनकी सबसे मजबूत ताकत यह है कि इनकी समाज के हर वर्ग में अच्छी पकड़ बताई जाती है। वहीं दूसरे नंबर पर नाम ललित जोशी का आता है जो मौजूदा समय में प्रदेश कांग्रेस के महासचिव भी हैं और पहले भी 1998 में हल्द्वानी MBPG कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष होने के साथ साथ राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं और 1997 से 2004 तक यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष और NDT वाली सरकार में दर्जा राज्य मंत्री रह चुके हैं। तमाम चेहरे ऐसे हैं जो मेयर पद के लिए अपने दावेदारी को यहां प्रबल बताते हुए और यह भी दावा किया जा रहा है उन सबकी तरफ से कि अगर पार्टी उन पर यहां पर विश्वास जताती है तो उनको कहीं ना कहीं टिकट दिया जाता है तो वो मेयर पद पे चुनाव लड़ के मेयर को की सीट को जीत करके पार्टी हाईकमान की झोली में डालेंगे। वही हल्द्वानी विकास खंड के ब्लॉक प्रमुख नेता भोला भट्ट भी हल्द्वानी की मेयर सीट पर अपने को प्रबल दावेदार बता रहे हैं। हालांकि इसका मुख्य कारण तो वो भाजपा सरकार द्वारा हल्द्वानी में नगर निगम के सीमा विस्तार को बता रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सीमा विस्तार होता है तो उनका क्षेत्र भी नगर निगम में मिल जाएगा, उस स्थिति में वो कांग्रेस के प्रबल दावेदार होंगे। 2003 में हल्द्वानी नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर अध्यक्ष का चुनाव जीतने वाले हेमंत बगड़वाल भी अपने आप को 2018 में होने वाले निकाय चुनाव में मेयर के टिकट पर अपने को प्रबल दावेदार मानकर चल रहे हैं। हालांकि 2013 में हल्द्वानी में मेयर के पहले चुनाव पर कांग्रेस की ओर से इनको ही मेयर के टिकट का आशीर्वाद मिला था लेकिन तब ये भाजपा के मेयर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला से हारकर तीसरे पायदान पर पहुंच गए थे जबकि दूसरे पायदान पर सपा से मेयर का चुनाव लड़ने वाले हाजी अब्दुल मातिन सिद्दीकी रहे थे जो कि अब कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। हालांकि हल्द्वानी में कांग्रेस की तरफ से और भी कई नाम धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी तो खुलकर कोई दावेदारी नहीं जता रहा है मगर जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें खजान पांडे जो कि कांग्रेस के महामंत्री भी हैं और हरीश रावत के खास माने जाते हैं, दीपक बलूटिया जो प्रदेश प्रवक्ता के अलावा संगठन में मजबूत पकड़ इनकी ताकत है, शोभा बिष्ट पार्षद एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष की खासम खास होना इनकी सबसे बड़ी ताकत है, हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी इनकी मुस्लिम वोटरों में अच्छी पकड़ के साथ साथ हरीश और नेता प्रतिपक्ष से नजदीकियां इनको टिकट दिलवा सकती हैं। यकीनन कहा जा सकता है कि हल्द्वानी नगर निगम के मेयर की कुर्सी के लिए यहां भी कांग्रेस में दावेदारों की लिस्ट आए दिन लंबी होती जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि अब इन 100 अनार में से आला कमान किसे टिकट का प्रसाद देता है या फिर इन सब के अलावा कोई नया नाम सामने उभर कर आता है। अब देखना होगा मैं जो तमाम तरीके से लोग दावेदारी कर रहे हैं पार्टी हाईकमान उन पर कितना विश्वास जताती है और उनको मेयर पद के लिए यहां पर टिकट के लिए चुनती है। अपने सहयोगी उवे सिद्दीकी के साथ अमित चौधरी, जैन टीवी, हल्द्वानी। चलिए ललित जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए। ललित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार ललित जी, कई सारे सवाल आपसे करने हैं। मैं चाहूंगा कि उससे पहले जरा
तमाम महत्वपूर्ण बड़े सवाल जो है टीवी स्क्रीन पर ले आते हैं दर्शकों के लिए। सवाल नंबर एक ही है कि टिकट के लिए हल्द्वानी कांग्रेस में क्या तेज हो चुकी है हलचल, पूरी कसरत जो है वो शुरू हो चुकी है। सवाल नंबर दो, एक अनार 100 बीमार वाली हालत में कैसे पार पाएगी कांग्रेस, किसको मिलेगा टिकट। सवाल नंबर तीन ये कि किसी एक के नाम पर सहमति कैसे बनाई जाएगी क्योंकि एक से एक धुरंधर मैदान में है। चौथा ये कि कांग्रेस में कहीं टिकट को लेकर सिर्फ फुटवल जैसी स्थिति तो नहीं देखने को मिलेगी। पांचवा सवाल ये कि सिफारिश या फिर काम, क्या होगा, किस आधार पर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। और आखिरी सवाल ये कि निकाय चुनाव के बहाने क्या एक कांग्रेस के अंदर एकजुटता आ पाएगी, क्या एकजुट होकर के लड़ेगी कांग्रेस, ये भी बड़ा सवाल है। ललित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित जी बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। आप जी पुराने कद्दावर नेता हैं और मेयर पद के टिकट के लिए आपकी दावेदारी भी काफ़ी मजबूत बताई जा रही है। 1998 में आप हल्द्वानी MBBS कॉलेज के छात्र अध्यक्ष भी रहे। आपको क्या लगता है कि कितना आपकी दावेदारी जो है वो कितनी मजबूत है? हाँ देखिए, सतत राजनीतिक प्रक्रिया में हर व्यक्ति जो बहुत लंबे समय से राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल है अपनी अपनी पार्टी के बीच, तो उसके अंदर महत्वाकांक्षा आना लाजमी है। तो मैं ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत से ऐसे लोग कर्मठ कार्यकर्ता हैं जो अपने आप को जो है कांग्रेस के मेयर पद के लिए हल्द्वानी में जो है इच्छुक हैं। तो इसमें तो ऐसे कोई बहुत गलत बात नहीं है जी। मैं समझता हूँ कि मेरे साथ साथ और कोई भी है, मैं अपने आप को भी उचित मानता हूँ और मैं अपने समकक्ष कई और लोगों को भी। ये अच्छी बात है, वरना कई बार लोग घुमा करके बहुत सारी बातें करते हैं कैसा नहीं है और मेरी घुमाने की आदत है ही नहीं भाई। नहीं नहीं, ये अच्छी बात है सर। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप राज्य आंदोलनकारी भी रहे, आप एनडी तिवारी सरकार में दर्जाधारी राज्य मंत्री का आपको भी ये ओहदा मिला आपको, तो ऐसे में आप ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आपके पक्ष में जाती दिखाई दे रही हैं, लेकिन टिकट के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम कई बार देखते हैं ललित जी कि कई लोग बहुत योग्य होते हैं लेकिन बहुत लोग सिफारिश या किसी कैंप से हैं उनकी वजह से भी टिकट मिलते रहे हैं, चाहे वो BJP हो या कांग्रेस हो। ये कितना बड़ा रोल प्ले करेगा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में? देखिए मैं अपनी बात जहां तक करूं, देखिए 26 साल मेरी राजनीतिक लाइफ हुई है। 1991 में मैंने NSUI का मैं सचिव था से लेकर फिर मैं यूथ कांग्रेस से लेकर के मैं छात्र संघ में सचिव अध्यक्ष रहा, फिर राज्य आंदोलनकारी रहा, उसके बाद मैं KMO में व्यवस्थापक के रूप में चुना गया था, उसके बाद फिर मैं तिवारी सरकार में मैं वाइस चेयरमैन था क्रिटेक्स का और आज मैं PCC सचिव हूँ। इस दौरान मैंने कई आंदोलनों से भी जुड़ा रहा, तो मैंने अपने जीवन में बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं तो नहीं पाली, लेकिन ये मेरी जरूर, क्योंकि हम अब उस उम्र में आ गए हैं, हम उस एज में आ गए हैं कि हमने अपनी पूरी राजनीतिक लाइफ में मैं ये सोचता हूँ कि कमी अपने आप को प्रूव करने का, कहते ना अंग्रेजी में कहावत है कि मैन इज नेवर नोन अंटिल अ मैन इज प्रूव, तो अगर हम अपने आप को प्रूव करना है तो हमको राजनीतिक प्रक्रिया के थ्रू गुजरना ही पड़ेगा, तो हम उस गुजरने की प्रक्रिया में हैं। एक बात बड़ी सावधानी से मैं कह देना चाह रहा हूँ, देखिए कांग्रेस को, हमारी पार्टी, मैं कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ और जिम्मेदार भी हूँ मैं, लेकिन मैं बड़ी साफ सी बात बोलता हूँ कि कांग्रेस को अब बहुत सी चीजों को मैं बदलाव लाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान में देश में जो परिस्थितियां हैं उस पर कांग्रेस को अपने अंदर बदलाव लाना बहुत जरूरी है। हमारे सीनियर नेताओं को भी अपने अंदर बदलाव लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको देख करके ही हम बड़े हुए हैं, उनको देख करके हमने राजनीति सीखी। अगर सही सीट का चयन, अगर सही टिकट का चयन हो जाए तो मैं ये समझता हूँ कि आज भी उत्तराखंड नहीं पूरे देश का जो मानसिक है व्यक्ति है उसकी मानसिक स्थिति कांग्रेस के पक्ष में ही रहती है, लेकिन कुछ राजनीतिक परिस्थितियां हर प्रदेश के अंदर होती हैं जी, उसकी वजह से कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो ये मेरी हिदायत भी है और मेरी मेरी प्रार्थना भी है कि आप कांग्रेस को बदलना चाहिए, कुछ चीजें कांग्रेस अगर पूर्ववर्ती कुछ ऐसी चीजें हुई तो उससे कांग्रेस को सबक लेना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कांग्रेस बहुत अच्छा सबक लेगी और सही टिकट का वितरण होगा। कहा ये भी जा रहा था, इस तरह की भी बातें सामने आई ललित जी कि आपके नाम पर लगभग मतलब एक तरीके से सहमति बनी हुई थी कि कोई दिक्कत नहीं है और लंबे समय से, लेकिन पिछली बार हमने देखा कि
इंदिरा हृदयेश ने अपने सुपुत्र को आगे कर दिया, तो ये अगर इस बार भी वो दावेदार हैं, ये कितना अखरता है या ये इससे कितना नुकसान होता है? देखिए 2012 में क्या हुआ उसके बारे में तो मैं समझता हूँ कि आपके जो स्थानीय रिपोर्टर्स वगैरह में वो सब अच्छी तरह बता देंगे, लेकिन देखिए इंदिरा जी बहुत सीनियर लीडर हैं और हम सब की जो है वो एक मतलब आज तीसरी बार हल्द्वानी के अंदर वो विधायक चुनी गई हैं, तो मैं तो उनसे ही नहीं सभी से ही उम्मीद करता हूँ कि कोई भी जो फैसला होगा वो हमें मान्य होगा, बट वो फैसला ऐसा हो कि जिसमें किसी को भी अखरे ना। आप ये मत सोचिए कि मैं अकेला का दावेदार हूँ, मैं अकेला दावेदार नहीं हूँ, सब लोग दावेदार हैं और हो सकते हैं। भारत लोकतांत्रिक देश है, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजरती है, सबको ये अपना अपना अपने आप को जो है पार्टी का कैंडिडेट बनाना मेरे ख्याल से तो इसमें तो कोई भी गलती नहीं, 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 पर चुनाव चाहे मेरा हो चाहे किसी का भी हो टिकट पद के लिए, लेकिन उसके अंदर इस बार पारदर्शिता होगी ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। नहीं लेकिन अगर एक ही परिवार में विधायक भी वही उसी परिवार का बनेगा, मंत्री भी उसी परिवार का बनेगा, मेयर भी उसी परिवार का बनेगा, तो फिर तो बाकी लोगों के लिए रास्ते सीमित हो जाते हैं ना। नहीं देखिए ऐसा है कि मैं आपको इस बारे में मैं आपको एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूं जी कि ये हमारे कांग्रेस के अंदर मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी जी के बनने के बाद बहुत सी चीजें बदलेंगी, ऐसा मेरा मानना है। चलिए देखिए आगे क्या होता है। ठीक, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और आपके जो है सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक बलूटिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनकी भी दावेदारी है मेयर पद के लिए, इनके के नाम पर भी चर्चाएं चल रही हैं। दीपक जी बहुत बहुत स्वागत है आपके आपका। जी धन्यवाद। जी दीपक जी, आप कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं, संगठन में मजबूत पकड़ बताई जाती है, ये कुछ एक सकारात्मक पहलू हैं आपकी आपकी दावेदारी को लेकर के। आप कितने आश्वस्त हैं और आपको क्या लगता है कितने फीसद चांस हैं आपकी दावेदारी जो है वो वाकई में टिकट में तब्दील हो जाएगी? और अभी चूंकि मसला ये चल रहा है कि कार्यक्रम चल रहा है और अभी हम खबर होगी या नहीं होगी, कौन दावेदार होगा कौन नहीं होगा, तो अभी इस समय कहना है जल्दबाजी होगी और एज ए पार्टी कार्यकर्ता जो भी पार्टी का निर्देश होता है जो भी वरिष्ठ नेता जो है आप चाहते हैं चुनाव लड़ना मेयर का कि नहीं लचाते हैं? पार्टी जो कहेगी वो आप मानेंगे? नहीं नहीं वो तो ठीक है, मैं मेरा सवाल ये है कि आपको अपने चांसेस कितने लग रहे हैं? देखिए सभी कांग्रेस में एक ही नहीं, सभी दावेदार हैं, सभी प्रबल हैं और सभी अपने एक अपना पकड़ है अपने क्षेत्र में, तो उनमें से हम जो निर्णय लेगी उसका जो होगा वही हमें मानते। एक सवाल महत्वपूर्ण है वो आप लोगों से दोनों से मैं समझना चाहूंगा कि क्या वाकई में ललित जी पहले आपसे कि क्या वाकई में ये इतना आसान होगी प्रक्रिया और आसानी से सब कुछ निपट जाएगा या इस जब जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा और होने के बाद आपको लगता है कि एक रिफ्ट एक दरार भी आ सकती है आपस में लोगों के अंदर, ये ऐसी स्थिति आते हुए दिखाई दे रही है कि आपको भविष्य में? जी जी मेरा सवाल यह है कि ये जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हल्द्वानी सीट का होगा आपको लगता है कि ये एक आसान प्रक्रिया होगी या आपको लगता है कि नहीं ये क्योंकि इतने सारे कंटेंडर हैं और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हो सकता है कि हल्द्वानी के अंदर जो है कांग्रेस के अंदर ही फूट पड़ती दिखाई दे, एक दरार हो एक रिफ्ट देखने को मिले? मैं मेरा सवाल ललित जी से मैं आ रहा हूँ आपके पास, दीपक जी आ रहा हूँ, दीपक जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, दीपक जी पार्टी के अंदर आ रहा हूँ मैं आपके पास, सवाल ललित जी से। और जहाँ तक हमारी बात है मैं ललित जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, अभी ललित जी बोल रहे हैं, दीपक जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक होगा अच्छा होगा जैसा मेरा मानना है, जैसा हम सारे लोग जो जो इसके कैंडिडेट हैं वो सब लोग इस बात का मानना है कि डिस्ट्रीब्यूशन सही होगा। मैं ये भी कहता हूँ, मैं ये मेरा ये भी कहना है, मैं नहीं जानता कौन क्या कहना चाहता है, बट मेरा ये भी कहना है मैं अपेक्षा और उम्मीद दोनों रखता हूँ कि जो भी लोग जो भी
आठ दस कंटेंटर जो आप दिखाते हैं, इसके अलावा भी और भी कंटेंटर हैं, बिल्कुल, वो भी जो भी जिसको भी दिया जाएगा हम सब उसके साथ मिलकर करके सहयोग करेंगे। बस उम्मीद इस बात की है कि टिकट यथार्थ के धरातल पर खरा उतरे, लोगों के गले उतरे, तब हम अब कह सकते हैं कि हम 100% जो है अपना देने में कोई भी गुरेज नहीं करेंगे। नहीं नहीं, लेकिन ललित जी इसमें एक सवाल है, आप कह रहे हैं कि आपको पूरी उम्मीद है कि ठीक तरीके से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अब उस ठीक का क्राइटेरिया क्या होगा, क्योंकि जिसको टिकट मिलेगा उसके लिए ठीक है, जिसको नहीं मिलेगा उसके लिए वो ठीक नहीं है, ये भी तो बड़ा सवाल है, किसके नजरिए से क्या ठीक है। पिछली बार मुझे टिकट नहीं मिला, ठीक है, सोल्ड क्या, हमने क्या सपोर्ट नहीं किया, हमने पूरा सपोर्ट किया, जो हमसे हो सकता था हमने किया, हम अभी भी जो है पार्टी लाइन से ही चलेंगे, दावेदारी अपनी रखने में मुझे तो कोई गुरेज नहीं, कोई आदमी घुमा फिरा देगा मुझे मतलब नहीं, मैं तो मेरी तो दावेदारी मैं समझता हूँ, मेरे से भी ज्यादा योग्य व्यक्ति है अल्बानी में, ऐसा नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि अब की बार जो भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो पारदर्शी हो जी। तो ये बताइए पिछली बार जब प्रक्रिया होगी जैसी हमारे यहाँ होती आई है, ठीक है, कुछ आपस में एक दूसरे के बीच में किसी को किसी की बात पसंद नहीं, किसी को किसी का किसी की राजनीतिक योग्यता पसंद नहीं, किसी को कुछ नहीं, ये तो हर पार्टी में चलते रहता है, हमारे पार्टी में भी होती है, लेकिन हमारे पार्टी में फूट नाम की कोई भी चीज नहीं, ना है, ना थी, ना रहेगी। पिछली बार का मलाल है आपको कि जिस तरीके से लगभग सहमति फाइनल थी और बीच में मतलब जो है सौमित्र देश को जिस तरीके से दिया गया, उस बात का दुख होता है, मलाल है कुछ? देखिए आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। मेरी राजनीतिक जीवन हो गई, मैं मेरे नहीं और भी कई लोगों को नहीं मिला हुआ, उनको भी मलाल होगा, लेकिन पर मेरे को व्यक्तिगत रूप से तो हाँ लगता है ये बुरा, कई लोग मेरे साथ के हैं जो आज विधायक बन गए हैं, जो मेरे साथ राजनीति करते थे, उनको मिल गया मौका, वो बन गए विधायक, तो उनको देख के हमको भी कभी कभी इस बात का तो लगता है कि अगर कहीं टाइम पर हमको भी एक मौका मिल जाता तो अपना अपने आप को प्रूव करने का जी, ये तो कभी मन में रहती है। बिल्कुल ललित जी, एक सवाल मेरा है, फिर मैं दिवर दीपक जी के पास जा रहा हूँ, एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर खुदा ना खास्ता अगर मान लीजिए कि आपको जो है टिकट नहीं मिलता है, अगर ये हाइपोथेटिकल सवाल है, आप बहुत मजबूत दावेदार हैं, तो क्या फिर जो है ललित जी खुद निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? नहीं नहीं, देखिए निर्दलीय चुनाव लड़ने का तो सवाल ही नहीं होता, मैं पार्टी लाइन से किसी भी हाल में बाहर नहीं हूं। तो ये हार के डर की वजह से है या आप पार्टी की निष्ठा प्रूव करने की वजह से है? देखिए जो लोग मेरे बहुत अच्छे करीबी हैं, जिनमें से कई क्या नाम कहते हैं हल्द्वानी के अंदर कई लोग ऐसे भी होंगे जो आप जिनको जानते होंगे, मैं आपको स्पष्ट कह दूं मैं किसी भी चीज से नहीं डरता भगवान को छोड़ करके, क्योंकि ना मैं झूठ बोलता, ना मैं धोखा देता और ना मैं धोखा सहन करता, लेकिन मैं राजनीतिक में बहुत ज्यादा जैसे मतलब आप सोचें कि बहुत ज्यादा तालमेल बिठा करके चालाकी करने का ये मेरा कभी मंतव्य नहीं रहा, ना मैं इस बारे में कभी सोचता और ना ही मैं नेगेटिव हूँ, मैं नेगेटिव भी नहीं, मैं तो सोचता हूँ कि अगर टिकट किसी को भी मिले वो योग्य व्यक्ति को मिले, उसका क्राइटेरिया होना चाहिए, आज कोई ना कोई क्राइटेरिया तो हो ना, सारी की सारी चीजें किसी पर हर योग्यता नहीं होती, मेरे पर भी नहीं होगी योग्यता, लेकिन जिसको भी मिले उसको सही व्यक्ति को मिले, कांग्रेस की जीत हो, ये मेरा। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस का हाईकमान और प्रदेश कमान जो है वो आपको सुन रहा हो और आपके तर्कों को ध्यान में रखे जब वो इस सीट पर फैसला वहाँ पर लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हमारी तरफ से आपको आने वाले समय के लिए। अब जरा हमारे साथ दीपक जी लगातार बने हुए हैं। दीपक जी, अब सवाल जो हम मेरा सवाल जो उनसे था ललित जी से, वो आपसे भी है कि क्या वाकई में आसान होगा, इतने आसानी से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा या इतने ज़्यादा कंटेंडर हैं उसमें, भोला भट्ट हैं, हेमंत बगड़वाल हैं, सुमित देश हैं, ललित जोशी हैं, आप हैं, शोभा बिष्ट हैं, खजान पांडे हैं, हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी हैं, और भी लिस्ट है, तो इनके बीच में जो है कहीं सिर्फ फिटोवल की स्थिति तो नहीं आएगी? देखिए ऐसा अभी कहना जल्दबाजी होगी और ऐसा नहीं है कि क्योंकि सब एक परिवार की तरह एक समूह है, सब लोग पुराने लोग यहाँ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और पूर्व में भी ऐसा कुछ जी।
आपके साथ कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पा रही है। जी चलिए चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिर आपका, धन्यवाद हम अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए हमारे साथ अब हेमंत बगड़वाल साहब जुड़ चुके हैं। बगड़वाल साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर जी। बगड़वाल साहब आप भी जो है हम तमाम दावेदारों की बातचीत कर रहे हैं, एक टिकट है और तमाम बड़े दावेदार जो है वहां पर मौजूद हैं, उनमें से एक आप भी हैं। अभी हम बात कर रहे थे ललित जोशी जी से, दीपक बलूटिया साहब से, 2013 में आपको टिकट मिल चुका है और इस बार कितनी आपको उम्मीद है कि आपको ये जिम्मेदारी, ये टिकट की उम्मीदवारी दी जा सकती है? मेरे को 2013 में, हेलो जी जी अपनी बात रखिए। हाँ मेरे को 2013 में भी टिकट मिला जी और 2003 में भी टिकट मिला चेयरमैन का जी। हेलो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो 2017 में क्या उम्मीदें हैं सर? 2018 में, माफ कीजिएगा जी जी, 2018 में ये उम्मीद है कि जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं और जो पार्टी लेवल पर हमारा हाईकमान कहेगा, जिसको टिकट देगा, उसको हमने सब लोगों ने चुनाव लड़ाना चाहिए जी। क्योंकि मैं एक बहुत सीनियर लीडर हूँ, मैं दो बार MBPG कॉलेज का, बहुत बड़ा कॉलेज है कुमाऊं का, उसमें प्रेसिडेंट रहा हूँ ईस्ट यूनियन का, और एक बार कुमाऊं यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ, और मैं सभासद भी रहा हूँ, और तीन बार मैं व्यापार मंडल का चुनाव भी जीता हूँ। नहीं नहीं, आपका बायोडाटा, एक बार चेयरमैन का टिकट भी लेकर के चुनाव जीता हूँ। नहीं तो आपका, हमें ये करना चाहिए कि जो एक अच्छा कैंडिडेट है, जिसकी साफ सुथरी छवि है, जिसने जनता के बीच में काम किया है, और जो कांग्रेसी है, तो उन कांग्रेसियों में से ही टिकट मिलना चाहिए। और मेरा कहना ये भी है कि जो हमारे माननीय इंदिरा जी है, जो अभी नेता प्रतिपक्ष है, हमारे अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी है और हरीश रावत जी है, तो मेरा कहना यह है कि ये लोग सब सही व्यक्ति को ही टिकट देंगे जी। अब और जब टिकट देंगे तो उन लोगों ने जिसको टिकट मिलेगा उन सब ने भी लड़ाना चाहिए। जैसे पिछले बार हुआ जी कि भाई टिकट हमें मिला तो जो यहाँ पर विरोध कर रहे थे उन लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए। नहीं मेरा आपका, आपने अभी जो बायोडाटा अपना दिया उसको देख करके तो लग रहा है कि सबसे मजबूत कैंडिडेट जो है वो तो आप ही हैं, जो तमाम अलग अलग क्षेत्रों में जो उपलब्धियां आपकी रही हैं। तो ये बताइए जी कि अभी क्या, कितनी उम्मीद, आप अपने आप में कितने आश्वस्त हैं कि आपको, आप जो है मजबूत कैंडिडेट हैं आप में खुद में? ऐसा साहब जी, मैं आश्वस्त हूँ पार्टी के प्रति जी, अपने नेताओं के प्रति, और मैंने आज तक कभी भी कांग्रेस नहीं छोड़ी है और मेरा परिवार कांग्रेसी है, और मैं ये भी सोचता हूँ कि टिकट भी कांग्रेसी को ही मिलना चाहिए। और टिकट मिलने के बाद मुझे यह आश्वास है कि यदि जो परिसीमन हुआ है तो उस परिसीमन में हमारा बहुत बड़ा एक अहम रोल है, यानी अहम रोल का मतलब है कि हमारे वहाँ लोग हैं, हमारे वहाँ रिश्तेदार हैं, हमारे वहाँ नातेदार हैं, मेरे साथ पढ़े हुए स्टूडेंट हैं और स्टूडेंटों के बच्चे हैं, ठीक है, और इस प्रकार से सब मिला करके यदि मुझे, मेरे ऊपर पार्टी का आशीर्वाद रहेगा जी 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 जी, तो मैं इस बार सीट को निकाल के दिखा दूंगा। चलिए हमारी तरफ से पूरी शुभकामनाएं हैं आपको, और उम्मीद कर रहे हैं पार्टी के लोग आपको सुन रहे होंगे आज जैन टीवी पर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। खजान पांडे जी जुड़ चुके हैं अब हमारे साथ, कांग्रेस के महामंत्री भी हैं, हरीश रावत के बड़े खासम खास कहे जाते हैं। खजान जी, तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं जो बड़े उम्मीदवार हैं हल्द्वानी सीट को लेकर के, आपकी दावेदारी कितनी मजबूत है? नमस्कार। दावेदारी तो हर कार्यकर्ता की, जो पार्टी का लीडर की है, जो पार्टी के लिए काम करता है, उसकी मजबूत होती है कि उसे भी मौका मिले। तो हम भी इसमें है लाइन में, और मैं पहले से ही जो कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ हल्द्वानी शहर का, हल्द्वानी महानगर का, आज से बहुत पहले
86 में जो कांग्रेस का अध्यक्ष था उसके बाद तमाम पदों में बैठ करेंगे पार्टी में, उसमें तो दिल में उम्मीद है पार्टी जिस हाईकमान जिसको भी निर्देशित करेगा वो चुनाव लड़ेगा, उसको चुनाव लड़ाएंगे। अब आपको लग रहा है ये इतना आसान फैसला होगा, क्योंकि बहुत सारी खेमेबाजी भी होती है, पिछली बार जिस तरीके से सुमित हृदेश को टिकट दे दिया गया तो वो कितना सही मानते हैं आप? सुमित जी को टिकट नहीं मिल पाया था क्योंकि लास्ट मोमेंट हाईकमान की एग्रीमेंट आई थी कि किसी भी नेता के रिजर्वेशन से उसे टिकट नहीं दिया जा पाएगा, इसलिए वो टिकट सुमित जी का नहीं हो पाया था, वो भी पार्टी के कार्यकर्ता है। नहीं नहीं, इस बार जी हमारे पार्टी की तरफ से हेमंत सिंह भगदड़ जी ने चुनाव लड़ा था जी। इस बार जो है, नहीं मेरा सवाल यह कि इस बार जो है सुमित हृदेश के नाम की भी काफी चर्चाएं हैं, तो ये जब अब एक ही परिवार से अगर विधायक भी होगा वही मंत्री भी बनेगा वही नेता विपक्ष भी होगा उन्हीं के घर से लोग मेयर भी बनेंगे, ये कितना अच्छा कल्चर मानते हैं पॉलिटिकल कल्चर आप? ऐसा नहीं था लेकिन लोगों ने दावेदारी में उनका नाम चला दिया मीडिया के माध्यम से, नाम लास्ट में पार्टी हाईकमान ने जो है उसने वो किया रिजेक्ट किया और टिकट कार्यकर्ता को मिला, ऐसा नहीं है। और पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता है, मंडल समिति के चेयरमैन है, जो बड़ी लीडर के जो परिवार से आते हैं पार्टी की, इंदिरा जी हमारी बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ी नेता है, तो इसलिए लोग ये नाम जोड़ देते हैं। मैं नहीं मानता हूँ इस बात को कि कभी कभी अगर उनको टिकट मिलता है तो वो भी एक कार्यकर्ता है हमारी पार्टी को और उनका योगदान है पार्टी के साथ, ऐसा नहीं है। लेकिन जो पॉलिसी पिछले बार माननीय राहुल गांधी जी ने बनाई थी कि उसमें कार्यकर्ता जाएगा पूरे विदेश में चलिए सर, बहुत 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 धन्यवाद खजान दास जी, खजान पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपनी दावेदारी के बारे में बताने के लिए। तो ये थे हल्द्वानी के कुछ धुरंधर जो हमने बातचीत भी की, जिनसे बातचीत नहीं कर पाए उनके बारे में आपको बताया क्या कुछ उनके लिए सकारात्मक पहलू है। अब देखना ये है टिकट आखिर में किसको मिलता है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं कांग्रेस पार्टी के बयानों के साथ, फिलहाल के लिए नमस्कार।